सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी समय वाराणसी के लक्षा पे। सो गाइस, आज की वीडियो कवर कर रहे हैं रुद्रवास स्टे होम। और आप अगर लक्षा पे आते हैं तो रुद्रवास होम स्टे पूछेंगे, किसी से भी पता चल जाएगा। ये कॉन्टेक्ट नंबर थंबनेल में लगा देंगे, वहाँ से भी आप अपना कॉल करके पता कर लीजिएगा। ये है भैया का रिसेप्शन। हेलो भैया। हेलो, क्या हाल चाल भैया? भैया क्या नाम है भैया आपका? करम विश्वकर्मा। क्या नाम बताया? करम विश्वकर्मा। करम विश्वकर्मा। तो भैया ये बताइए सबसे पहली बात कि यहाँ पे रूम्स अवेलेबल रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं, सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी क्या सीजन मतलब चल रहा है? ऑफ सीजन चल रहा है। अभी ऑफ चल रहा है ना वाराणसी में। ठीक है, अभी सीजन आने वाला है क्या? हाँ, जैसे आपकी मकर संक्रांति आ गई तो इसमें फिर आपको गंगा नहाना होगा, उसमें आपकी जो है फुल रहते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि इसका टाइमिंग क्या, मतलब कितने बजे लोग आए तो ये खुला मिलेगा? 24 आवर्स आ सकते हैं। तो भैया थोड़ा सा रूम वूम दिखाएंगे हमें? चलिए। तो गाइस अभी हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं। हाँ भैया बताइए, ये अच्छा, ये बताइए, ये मान लीजिए कि अगर 1% है पर हेड तो ये कितने का उसको आ जाएगा? 500 पर हेड। तो यहाँ पे ये भी डबल बेड है, ये सिंगल बेड है, ये डबल बेड है, वो वाला भी डबल बेड है। ठीक है, तो इसका कितना लगेगा? ये आपको 1000 है। अगर एक पूरी फैमिली है तो उसको आप 2500 में पूरी फैमिली कवर कर देंगे। अच्छा अच्छा, पूरी फैमिली अगर होती है तो 2500 में कवर कर देंगे। ठीक है, 2500 में मतलब पूरा लॉज ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई 2% है तो यहाँ पे आप मतलब ये पर्दा निकाल सकते हैं ऐसे? अच्छा, थोड़ा सा करेंगे। अच्छा, ये पर्दा ऐसे घुमा देंगे तो आदमी आराम से रह सकता है। ठीक, 2500 में पूरा लॉज ले सकता है। इसका लैट्रिन बाथरूम दिखाएंगे भैया? इसका आपको इधर है, इसका लैट्रिन बाथरूम किधर है? लैट्रिन बाथरूम देखते हैं कैसा है। बहुत सारे लोग को रिक्वायरमेंट रहता है कि भैया लैट्रिन बाथरूम नहीं दिखाया, तो ये है इनका वॉशरूम। बेसिन काफी बढ़िया लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे साबुन भी मिलता है, कैसे ही रखा हुआ है, साबुन भी मिलता है यहाँ पे। आप इसका लैट्रिन देखेंगे, यहाँ पे काफी साफ सफाई का ध्यान रखा है, मार्बल भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक शावर भी दिया जाता है। भैया गर्म पानी आता है या ठंडा पानी आता है? गर्म पानी मिलता है। गर्म पानी मिलेगा तो ये बहुत बढ़िया बात है, ठंडी में गर्म पानी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे एक बाल्टी है आपको मतलब नहाने वहाने के लिए मिल जाएगा। अभी चलते हैं हम लोग। दूसरे रूम कोई है भैया? दूसरा रूम दिखाइए। तो हम लोग जा रहे हैं दूसरे रूम की तरफ। ये डॉर्मेट्री हो गया ना, यहाँ पे कितने लोग स्टे कर पाएंगे? यहाँ पे पूरे 14 लोग स्टे कर पाएंगे। मतलब अगर पर हेड के हिसाब से देखा जाए भैया तो चार्जेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएंगे। तो ये बताइए आप हमें, अगर एक फैमिली मेंबर 20 लोग आते हैं तो पर हेड 500 रुपया ही रहेगा? नहीं, उसमें कंसेशन हो जाता है ऊपर नीचे। अच्छा, कंसेशन हो जाता है। जैसे गाइस आप समझ रहे हैं, 500 रुपये का एक बेड मिलेगा आपको। अगर फैमिली मेंबर होते हैं तो यहाँ पे आप आराम से स्टे कर सकते हैं। अगर या फिर 4 लोग होते हैं तो यहाँ पे स्टे कर लेंगे। एक कंबल मिलेगा भैया? 2 लोग रहेंगे, एक कंबल मिलेगा? 2 लोग रहेंगे। अच्छा, 2 लोग रहेंगे तो 2 कंबल मिलेगा। यहाँ पे पर हेड के हिसाब से है, एक कंबल आपको दिया जाएगा और एक तकिया दिया जाएगा। यहाँ पे भी 4 लोग स्टे कर सकते हैं। अगर फैमिली मेंबर में 5 लोग है भैया और ये वाला आपका लेना चाहते हैं तो ये बताइए कैसे लेगा? 5 लोग है तो फिर आपका जो है कैसे, तो 2500 होता है, आप इसको लगा देंगे, आपका फैमिली मेंबर सेपरेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, 5 लोग अगर रहते हैं तो मान लीजिए वो अपना एडजस्ट कर ले, आपको पर हेड के हिसाब से 200 रुपये चार्जेस बढ़ाना पड़ेगा ना। जैसे बहुत जगह होता है मतलब 100 रुपया 200 रुपया बढ़ा देते हैं, पर परसेंट है, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको चार्जेस थोड़ा सा मतलब बढ़ा देंगे तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया। इसका लैट्रिन बाथरूम भैया? इसका लैट्रिन बाथरूम देखते हैं गाइस। ये है, कौन सा है? ये इंडियन है। ये इंडियन है। तो यहाँ पे आपको एक नल मिल जाता है, ये शावर है बढ़िया से, और लैट्रिन भी काफी नीट एंड क्लीन है, बहुत ही बढ़िया है। पानी इसमें भी आता है गर्म भैया? अच्छा, ये इसमें गरम भरा नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए गरम नहाना हो तो कैसे मिलेगा? उस साइड मिलेगा, तो पानी उस साइड आपको नहला देंगे उस साइड भैया। और ये कौन सा है? ये आपको वेस्टर्न है, यहाँ पे बहुत बढ़िया है। जो लोग वेस्टर्न हैं तो यहाँ पे ये वाला यूज करते थे, काफी बढ़िया नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे भी एक शावर आपको मिल जाता है, एक नल मिल जाता है। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी आप मग से नहा सकते हैं, काफी बढ़िया है, नीट एंड क्लीन है। बहुत सारे लोग को जैसे मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट होता है कि भैया लैट्रिन बाथरूम नहीं दिखा है तो दिखा दिया है। तो गाइस अगर आप वाराणसी आ रहे हैं तो वाराणसी में अगर स्टे करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया ये मुझे लगा। और भैया बताइए, ये पर्दा पूरा हो जाता है क्या? पूरा। अच्छा, ये पूरा लग जाता है, मतलब थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा करिए तो। हाँ, ये और इधर का भी करिए। अच्छा अच्छा, ये तो एक रूम बना दी भैया आप, ये बहुत बढ़िया मुझे लगा। ये पूरा पर्दे से आपको मतलब घेर देंगे, यहाँ पे आप आराम से स्टे करिए, जो कि एकदम रूम की तरह लग रहा है। 4-5 लोग स्टे कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब पर हेड के हिसाब से 500 रुपये आप समझिए इनका। अच्छा भैया एक चीज़ और बताइए, अगर यहाँ वाराणसी कोई आता है तो हस्बैंड वाइफ हैं और एक बच्चा है, ठीक है, उसका मतलब क्या चार्जेस रहेगा?
1000 बच्चे का कोई चार्ज नहीं। मान लीजिए 12 साल का बच्चा है, 14 साल का है, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए फैमिली मेंबर है 7-8 लोग है, उसका पर हेड के हिसाब से ही लगेगा, ठीक है, यही ना चार्ज है। अच्छा मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई आता है स्टे करता है वाराणसी में, बाहर से आता है, तो ये बताइए कि उनको क्या मतलब परमिट दिखाना होगा, मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड क्या? एक आधार कार्ड चलेगा ना, एक आधार कार्ड अनिवार्य है। मार्कशीट वगैरह जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग आधार कार्ड नहीं है तो मार्कशीट चलेगा? कोई भी एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए। अच्छा एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, अगर देखा जाए तो भैया बहुत सारी चीजें इसमें हैं। क्या क्या मिलेगा भैया यहाँ पे? यहाँ पे आपको सब आइटम खाने के जितने भी आपके वेज आइटम है। अच्छा थाली भी है क्या? थोड़ा तो खोलेंगे, थाली भी है यहाँ पे ना, थाली भी मिल जाएगा? हाँ सब मिल जाएगा, थाली वगैरह मतलब पिज्जा मोमोज ये सब चीज़ नहीं, रेस्टोरेंट। मान लीजिए कि अगर कोई ऑर्डर करता है आपको तो कितना देर में उसको प्रोवाइड करेंगे? एक से आधे घंटे में उसको प्रोवाइड कर देंगे। उसका कुछ चार्ज रहेगा? इसमें जो है कि जो आपका जो मतलब खाना रहेगा वो उसमें इंक्लूड होगा। हाँ। और मतलब लाने का कोई चार्ज नहीं। ये बहुत बढ़िया मुझे लगा। अगर आप खाना चाहते हैं यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है बाहर का तो क्या खाएंगे, जैसे भैया से बोल देते तो भैया आपके लिए मंगा देते। क्यों भैया? थोड़ा सा लोकेशन इसका एकदम सीधा सीधा बताइए ताकि लोग आराम से स्टे कर पाए। लक्ष्मी कुंड है, उसमें काली मंदिर के सामने जो है। अच्छा अच्छा वहीं पे आपका। अच्छा मान लीजिए कोई कैंट रेलवे स्टेशन पे आता है, कैंट रेलवे स्टेशन पे आता है या फिर मनवाड़ी रेलवे स्टेशन पे आता है, तो आप वो यहाँ से कैसे आएगा? मतलब वो डायरेक्ट आपका लक्षा लक्ष्मी कुंड किसी भी ऑटो जो लेता है, टू व्हीकल्स लेता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उतार देगा। अच्छा टू व्हीकल्स लेता है तो अच्छा यहाँ से उसका चार्जेस क्या रहेगा ऑटो वाले का, थोड़ा सा आइडिया है? तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो। नहीं फिर भी मतलब मैक्सिमम जैसे लोग को आप बताएंगे ना तो उनको आइडिया लगेगा। यहाँ 60 रुपीज़। अच्छा 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 अगर आप मान लीजिए रिजर्व आते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा है ना। तो आप सबसे पहले वो बंदा आएगा गुदौलिया चौराहे पे, मान लीजिए कैंट रेलवे स्टेशन जाता है गुदौलिया पे, गुदौलिया से यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? 700 मीटर। 700 मीटर पैदल आ जाएगा एकदम आराम से। एक बार क्या पूछेगा मतलब गली में क्या पूछेगा? पहले रुद्रावास कोई बता देगा, रुद्रावास को मतलब पूछेगा कोई बता देगा, कोई बता देगा यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, वो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। काम करिए, एंजॉय करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। MR को विदा दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए बाय।